उद्धव से कहा था आप बाला साहेब की तरह पार्टी संभालो। शिवसेना में फूट रोकने के लिए राहुल सेवाले ने किए थे प्रयास। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट से दो बार के सांसद राहुल सेवाले तीसरी बार भी मैदान में हैं। शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद ये पहला चुनाव है जब पुराने सहयोगी अनिल देसाई से उनका मुकाबला होगा। कहा जा रहा है कि पार्टी में टूट की सहानुभूति का फायदा उद्धव कोट के उम्मीदवारों को मिल सकता है। शिवाले ने दावा किया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को ये समझाने की बहुत कोशिश की कि वह शिंदे को सीएम के रूप में स्वीकार करें और बाला साहेब की तरह पार्टी संभालें। हालांकि उनकी जीत की वजह से ये नहीं हो सका। सोमवार को नव भारत टाइम्स ऑफिस में आए शिवाले ने मुंबई की डीपी धारावी के विकास से लेकर शहर के ज्वलंत मुद्दों पर विवाद की से अपनी राय रखी। पेश है शिवाले से बातचीत के अंश। मुंबई के विकास के डेवलपमेंट प्लान लागू होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या कारण है कि ये लागू नहीं हो सका। मुंबई के संपूर्ण विकास के लिए डीपी का 100% लागू होना बहुत जरूरी है, लेकिन केंद्र और राज्य में कांग्रेस सरकार होने के कारण बीएमसी डीपी को सही से लागू नहीं कर सकी। मुंबई में डिफेंस रेलवे सहित केंद्र सरकार की काफ़ी जमीन है। जमीन अधिग्रहण महत्वपूर्ण मुद्दा है। डेवलपमेंट प्लान को लागू करने के लिए 14,00,000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बारे में निवेदन किया है ताकि डीपी को बीएमसी राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से लागू किया जा सके। इससे मुंबईकरों को कई सुविधाएं मिल सकेंगी। केंद्र और राज्य में जब एनडीए और महायुति की सरकार आई तो मुंबई के विकास पर जोर दिया गया। इसी का नतीजा है कि अटल सेतु, कोस्टल रोड और मेट्रो का प्रोजेक्ट पर अमल हो सका है। शिवसेना टूटने से पहले और बाद में भी हमने उद्धव ठाकरे को समझाने की बहुत कोशिश की। शिवसेना में फूट के बाद एक महीने तक मैं उद्धव को समझाता रहा कि आप ही पार्टी को टूटने से बचा सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि बाला साहेब की तरह आप शिवसेना संभालिए और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कीजिए। उनकी जिद की वजह से ये नहीं हो सका। जब उद्धव ने राज्य में महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन किया था तब मैंने कहा था कि हमें अघाड़ी में नहीं शामिल होना चाहिए। सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं को उद्धव समय नहीं देते थे, इस बात में कितनी सच्चाई है। पार्टी प्रमुख होने के चलते उनका सम्मान था, लेकिन जब मुख्यमंत्री काल के दौरान हम मिलने जाते थे तब हमसे कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा जाता था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।